हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश साव, फैकल्टी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभियंता गैरेज में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और अपने लाइफ में अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बहुत ही शानदार एफर्ट आप लगा रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, PGCIL अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2021 हमारे अभियंता गैरेज के चैनल पे आपको जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं रिगार्डिंग जॉब्स नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें हम आपको हमेशा प्रोवाइड करते आए हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, PGCIL दैट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो अभी ओपन है, जिसको आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसके एलिजिबल क्राइटेरियाज क्या क्या है, और कौन सी चीजें हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये वीडियो पूरा देखें। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। तो पावर ग्रिड का जो अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2021 आया है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि पावर ग्रिड के वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आपको जो भी बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के, वो अभी चालू है। 21 जुलाई 2021 से ये ओपन हो चुका है, और इसका लास्ट डेट है जो कि आपको ध्यान रखना है वो है 20 अगस्त 2021। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में जैसे मैं बात कर रहा था, ये एक महारत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है। तो जैसे कि हमने टाइटल में देखा कि ये अप्रेंटिसशिप जो रिक्रूटमेंट होने वाला है 2021 का, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की साइट है जो PGCIL में, वहां पे वो अवेलेबल है। इसका मैंने आपको बताया कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है आपको मैं बताऊंगा ये सब चीजें, और ये 21 जुलाई 2021 से ये सारी चीजें ओपन है, और इसका लास्ट डेट है 20 अगस्त 2021। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1110 वैकेंसीज निकाली है अपने डिफरेंट रीजन के लिए। PGCIL के बहुत सारे रीजन है ऑल ओवर इंडिया पे, तो हम जो यहाँ पे देखने वाला है, जो हमारा छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, ये दो तीन जो स्टेट्स हैं वो कवर होता है वेस्टर्न रीजन वन पे। ठीक, तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं आज के वीडियो में वो है वेस्टर्न रीजन वन। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेस्टर्न रीजन वन पे कितनी वैकेंसीज है। तो आउट ऑफ 1110 वैकेंसीज जो कि ऑल ओवर इंडिया आई है, उसमें जो 112 वैकेंसीज है वो हमारे वेस्टर्न रीजन के लिए है। अब यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र स्टेट जो कि वेस्टर्न रीजन का पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कॉलम दिख रहा है आपको अप्रेंटिसशिप का ट्रेड है ना, तो यहाँ पे कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है, कुछ डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए है। यहाँ पे आप ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे टेंटेटिव नंबर्स कितना दिया हुआ है 26। यहाँ पे भी अलग अलग यहाँ इस टेबल पे दिया हुआ है, देखो कैटेगरी वाइज SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC और अनरिजर्व के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल सिविल ग्रेजुएट के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी, सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी है। यहाँ पे HR एग्जीक्यूटिव के लिए भी यहाँ पे कुछ वैकेंसीज है। तो ओवरऑल जो महाराष्ट्र रीजन है उसका जो की, तो ओवरऑल महाराष्ट्र रीजन में टोटल 64 वैकेंसीज है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ रीजन है जो, वहां पे ओवरऑल जो वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल सिविल और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल मिला के यहाँ पे 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनके लिए। नेक्स्ट है जो मध्य प्रदेश, यहाँ पे सिविल वाला जो एरिया है वो हमारा वेस्टर्न रीजन वन में आता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, ये सभी मिला के यहाँ पे नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो टोटल 4 है यहाँ पे। नेक्स्ट जो स्टेट, ये भी हमारा वेस्टर्न रीजन वन में आता है PGCIL के, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा सिविल और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देखो जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है वो हमारे छत्तीसगढ़ रीजन के लिए है जो कि 40 है, और महाराष्ट्र रीजन के लिए जो कि 64 वैकेंसीज है। ये तो रही बात नंबर ऑफ वैकेंसीज की, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि क्या क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या क्या वहाँ पे क्वालिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड है, जहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं वहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल वाले पे आप अप्लाई करना चाहते हैं इस ट्रेड के लिए, तो आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम फुल टाइम का आपके पास 4 ईयर कोर्स होना चाहिए BE, BTEC या BSc इंजीनियरिंग में, वो भी किस पे, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। तो यहाँ पे देखो
नेक्स्ट देखो, आप यहाँ पे ग्रेजुएट है सिविल के लिए, तो यहाँ पे भी आपको बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा सिविल के लिए जो 3 इयर्स का कोर्स होता है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वो होना चाहिए। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए सेम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 इयर का कोर्स होना चाहिए आपका। ग्रेजुएट साइंस कंप्यूटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, वो भी 4 ईयर फुल कोर्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एचआर एग्जीक्यूटिव पे रोल दिया है यहाँ पे, उसके लिए आपको एमबीए एचआर होना चाहिए, एमएसडब्ल्यू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए और वो 2 ईयर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए आपके लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टाइफंड, जो मंथली स्टाइफंड आपको मिलने वाला है वो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर्स के लिए 15,000 है, वही डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए वो 12,000 मंथली है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुएट साइंस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए 15,000 है और जो एचआर एग्जीक्यूटिव पे रोल में आएंगे उनके लिए भी 15,000 मंथली है। यहाँ पे देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इन केस अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती कंपनी तो 2500 आपको एक्स्ट्रा इसके लिए मिलेगा फॉर एकोमोडेशन के लिए, ठीक। अब यहाँ पे हम कुछ क्राइटेरियाज देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है यहाँ पे अप्लाई करने। यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ दियर फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब अगर आपके पास आपके फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं है तो आप अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट जो पीजीसीएल का आया है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी एज है वो 18 ईयर से कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। थर्ड, यहाँ पे अगर कोई ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कर रहा है तो वो भी एलिजिबल नहीं है इसके लिए। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है वो मोर देन 1 ईयर है तो भी आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताता चीज इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके जो सिलेक्शन प्रोसीजर में है जो क्या होगा, आपके परसेंटेज जो मार्क्स हैं उस बेसिस पे क्या होगा यहाँ पे इसका शॉर्टलिस्टिंग होगा और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटीमेट किया जाएगा थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, आपका ईमेल आईडी है वो एक्टिव होना चाहिए जिसपे आप रेगुलर चेक कर रहे हैं, ऐसी ईमेल आईडी ही प्रोवाइड करें, ये मैं सजेस्ट करूंगा आपको। फिर यहाँ पे आप देखो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एक बार शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल के थ्रू बुलाया जाएगा, वहां पे एक मेडिकल वहां पे चेकिंग होती है, वो सर्टिफिकेशन भी आपका होगा। उसके बाद फाइनली क्या होता है, अगर सारी चीजें आप एग्जाम में क्लियर कर लिए, मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको जो अप्रेंटिसशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो दे दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो अप्रेंटिसशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है ये 1 साल के लिए है। यहाँ पे आप देखो कोई भी TADA मतलब ट्रेवल अलाउंस डियरनेस अलाउंस आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे उस टाइम पे कोई भी चीज आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो PGCIL का अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2021 आया है उसको फॉर्म फिल करने से पहले ही आपको क्या करना होगा, ये जो apprenticeshipindia.org ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इस पे जाके आपको क्या करना है, पहले आपको अप्लाई करना है। ये क्या होता है, एक पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक पोर्टल है। यहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप के लिए पहले रजिस्टर करना होता है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो वहां पे क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है। तो ये जो इनरोलमेंट नंबर आपका जनरेट होगा एक यूनिक नंबर होगा जिसके थ्रू ही आपको फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहां पे वो नंबर को फीड करके आपको फर्दर जो भी वहां पे रिक्वायर्ड फॉर्म फिलिंग के टाइम वो सब चीजें करनी है। तो यहाँ पे देखो ये जो नोटिफिकेशन है ये इसका डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो में दे दूंगा, आप डायरेक्टली यहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इनरोलमेंट नंबर जो आपका जनरेट होगा वो नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही नंबर के बेस पे ही आप जो PGCIL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके फर्दर ये अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है, इसका जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है जो कि ऑलरेडी चल रहा है, मैंने आपको बताया कि 21 जुलाई 2021 से चालू हो चुका है। इसका जो क्लोजिंग डेट है मतलब लास्ट डेट है जो अप्लाई करने का वो है 20 अगस्त 2021। तो ये सारी चीजें थी जो का अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट आया उसके बारे में जो भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड था। अब यहाँ पे कुछ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जिसे मैंने आपको बताया ये एक महारत्न कंपनी है, अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं आपको इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जो पावर ग्रिड होता है ये क्या होता है, एक नेशनल कंपनी है जो कि मैंने आपको बताया ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर पे है। और ये जो पावर ग्रिड है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जो भी यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ पावर होता है वो सारी चीज का मॉनिटरिंग कौन करती है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है, ठीक।
अब यहाँ पे ये तो बात रही अप्रेंटिसशिप की, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये गेट के थ्रू भी रिक्रूट करती है, मैनेजमेंट ट्रेनी जो होते हैं ग्रेजुएट ट्रेनी उसको गेट के थ्रू रिक्रूट करती है, और बहुत सारा अच्छा पैकेज रहता है इनका। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट आता है उसका 10 लाख प्लस का कुछ पैकेज रहता है इनके लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो गेट का एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी आप ध्यान देख सकते हैं, और जो भी इसका रिक्रूटमेंट आएगा या जो भी नोटिफिकेशंस आएगा जिससे गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट वाले जो भी अपडेट्स आएंगे वो सारे आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। पावर ग्रिड की बात नहीं, जो भी जॉब को लेके, टेक्निकल जॉब्स को लेके जो भी यहाँ पे न्यू अपडेट्स रहते हैं, जो न्यू वैकेंसीज रहती है, वो सारी चीजों के बारे में जो डिटेल्ड वीडियोस रहता है उसका कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। और टाइम टू टाइम क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज रखनी है, और कुछ टेक्निकल जो फैक्ट्स हैं, नॉलेजेस हैं, वो सारे हमारे अभियंता गैरेज चैनल पे अवेलेबल हैं। तो अब आपको करना क्या है, ये वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया तो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे अपकमिंग वीडियोस की जो भी अपडेट्स हैं आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिल सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में।